प्रश्न नहीं है। सीता का निर्वासन करने में उनको लाभ था कि ना करने में लाभ था, ये सवाल है। तो अब देखिए वहाँ पर बताया गया है कि राम जी ने सीता का निर्वासन अपने स्वार्थ के लिए किया, स्वार्थ माने अपने लाभ के लिए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। राम जिस तरह की नीति जानते थे, प्रीति जानते थे, परमार्थ भी जानते थे और स्वार्थ भी जानते थे, राम से बढ़िया कोई दूसरा नहीं जानता। तो चारों चीजों को राम ने देखा कि चारों का फायदा है, इसमें नीति का भी फायदा है, प्रीति का भी फायदा है, परमार्थ और स्वार्थ सब है। राजा की पत्नी रानी पे आक्षेप लग गया, प्रजा ने लगा दिया कि साहब ये चरित्रहीन है, इसका चरित्र जैसा है। लौट के आई एक पत्नी, एक रात गायब रही, दूसरे दिन आई, दरवाजा खटखटाया, पति ने कहा कि अंदर नहीं आ सकती, वहीं खड़ी रहे, मैं राम थोड़े हूँ कि रावण के यहाँ इतने दिन सीता रही फिर भी वापस कर लिया, स्वीकार कर लिया, मैं तुझे अस्वीकार करता हूँ, मत आ अंदर। तो ऐसा कह करके उसने सीता जी के चरित्र पे कलंक लगा दिया। अब राम राजा थे, आम आदमी होते तो अलग बात थी, राम स्वयं राजा थे। राजा अगर आदेश कर देता कि ये जो सीता के चरित्र पर आक्षेप लगा रहा है इसको पकड़ करके जेल में डालो, रानी पे कैसे आक्षेप लगा सकता है? तो तुरंत उसके ऊपर अगर कार्रवाई करवा देते, घसीट करके उसको जेल में ले जाते, बंद कर देते, तो क्या प्रवाद बंद हो जाता? लोग जनता क्या कहने लगती कि देखो कैसे चुभ गई इनको बात, जरूर गड़बड़ी है, इसीलिए देखो अब ये जबरदस्ती मोहबंद करवाएंगे हम लोगों का। जनता है ये जनता जो है अलग ढंग से बोलती है। तो अगर राम कड़ाई करते तो वो बात और बढ़ती, और इतनी बढ़ती कि माने वो फिर सीता तो दुष्चरित्र ही सिद्ध हो जाती। तो राम सीता से प्रेम करते थे, उनकी गरिमा महिमा की रक्षा करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो प्रवाद इनके ऊपर आ गया इसको कैसे नष्ट किया जाए। सवाल ये नहीं है कि हम साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सवाल ये है कि हमारा जो जीवन साथी है उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसकी महिमा बनी रहनी चाहिए। अब क्या करें? अगर कोई ऋषि महर्षि बोल दे कि ये निष्कलंक है, निश्चय माने पवित्र है, तो ऋषियों की बात का जनता भरोसा करेगी, राजा की बात का नहीं करेगी। तो इसलिए इनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजो। वाल्मीकि जब इनको देखेंगे, जब इनके बारे में वाल्मीकि कहेंगे जनता से, तो जनता उसको स्वीकार कर लेगी। तो वहां भेजा, ये नीति थी उनकी कि जिसमें सीता निष्कलंक सिद्ध हो जाए, उनके ऊपर आक्षेप ना रह जाए, दाग ना रह जाए, तो अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम निष्कलंक बनाना चाहेंगे कि भले उसके चरित्र पे आक्षेप हो लेकिन बस हमारे साथ बना रहे, ऐसा स्वार्थ हम रखना चाहेंगे? यही चाहेगा आदमी कि निष्कलंक हो जाए। तो राम ने नीति का आश्रय लिया।